यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सुनैना अरोरा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी हिंदी की ई पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हम जो पढ़ेंगे, हमने जो पिछला पाठ पढ़ा था रस से भरे रसाल, उसके अंतर्गत हमने पाठ के बारे में जो भी कुछ सीखा था, कल हमने उसके कठिन शब्द यानी कि श्रुतलेख को लिखा था, उसके प्रश्न उत्तर को किया था और हमने इस पाठ को खत्म किया था। इसके अतिरिक्त आज हम इस पाठ का एक बार सारांश देखेंगे और दूसरे अपने नए पाठ का मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से आपको अवगत कराना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले आज हम रस से भरे रसाल, इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ का क्या सार है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इस पाठ के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि आम हमारा क्या है, फलों का राजा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कल्प तरु, देवफल, टपका, सौरभ आदि के नाम से जानते हैं। आम एक ऐसा फल है जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और आनंददायक भी होता है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि आम एक सामान्य व्यक्तियों के द्वारा ही खाया जाने वाला फल नहीं है, इसके अतिरिक्त वह मुगल काल का एक मन पसंदीदा फल माना जाता था। मुगल सम्राट अकबर ने भी लालबाग नामक लाख पेड़ों वाला एक बगीचा लगवाया था, जिसे कि हम इलाकी बाग के नाम से जानते हैं। उर्दू काव्य के सम्राट मिर्जा गालिब को भी आम बहुत पसंद हुआ करते थे। मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने लाल किले के पास नायाब बख्श नामक एक विश्व की सर्वोत्तम आम की किस्म लगवाने का इंतजाम किया था। आम के वृक्ष यदि अनुकूलित जलवायु में रहें तो वह लगभग 50 से 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, ये आप जानते ही होंगे। आम की लंबाई लगभग 5 से 25 सेंटीमीटर तक मानी जाती है और आम हमारी आयरन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। तो बच्चों, इसमें हमें बताया गया कि कच्चे आम से हम क्या क्या बना सकते हैं। कच्चे आम से हम आम चटनी, अचार, मुरब्बा आदि चीज़ें बना सकते हैं। और आम की 100 से भी ज़्यादा किस्में बताई गई हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे सिंदूरी आम जो आप लोग खाते होंगे, लखनऊ का दशहरी आम, वाराणसी का लंगड़ा आम आदि। आम के बाग को अमराई कहा जाता है। हवन या यज्ञ के समय आम का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत हमने जो सीखा वो आम फलों का राजा है तथा सबके मन को भाता है। इस पाठ में हमें यही पता चला। और आम में विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। तो बच्चों, आम आपकी बढ़ती उम्र के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और इस पाठ के अंतर्गत हमने यही सीखा कि आम क्या है, आम फलों का राजा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। और इसके अतिरिक्त हम अपने दूसरे पाठ यानी कि ईदगाह, जो कि एक बहुत अच्छा, बहुत ही एक रोचक एक नाटक है, जो कि एक हामिद नामक बालक की कहानी है, उसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में सीखेंगे। और आपका आज यह गृह कार्य है कि आज आप क्या करिए, आज आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, एक बार इसको पढ़कर देखेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।